लोक मोदी यांना म्हणतात रोजगार द्या, आमच्या शेतीमालाला योग्य भाव द्या, कांद्याचे भाव कमी करा, मोदी हे काय कांदे उगवणार आहेत का, असे वक्तव्य योगगुरु स्वामी रामदेव बाबांनी संगमनेर येथील गीता महोत्सवामध्ये बोलताना केले. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत, गीता परिवाराचे संस्थापक स्वामी गोविंद देवगिरीजी यांचीही व्यासपीठावर यावेळी उपस्थिती होती. कांदा टंचाई निर्माण झाल्यामुळे कांद्याचे दर दिवसेंदिवस वाढत आहेत. देशात सध्याची कांद्याची परिस्थिती पाहता परदेशातून कांदा आयातीबाबत केंद्र सरकारनं निर्णय घेतलाय. त्यातच संगमनेर येथे गीता जयंतीच्या निमित्तानं गीता परिवारानं आयोजित केलेल्या गीता महोत्सवामध्ये योगगुरु स्वामी रामदेव बाबा यांनी कांद्याच्या वाढणाऱ्या दरासह बेरोजगारीबाबत भाष्य केलं. आज काही जण देशात अनेक प्रश्न उपस्थित करीत आहेत. देशात हिंसा वाढली आहे, पण थांबवण्यासाठी चांगले संस्कार हा उपाय आहे, असंही स्वामी रामदेव म्हणाले. मंत्र बोलेंगे वेद का छोटा सा, अकर्मा दस्यु, बोलो जोर से बोलो, अकर्मा दस्यु, जो कर्म नहीं करते वो राक्षस. इसलिए मैं काम चोर और हराम खोरों के बड़ा खिलाफ. तो आज से सब संकल्प लेके जाएंगे हम जीवन में कभी काम चोर और हराम खोर. जोर से बोलो, काम चोर हराम खोर. कभी जीवन में अकर्मण नेता का आदर स्वागत, कभी भी जीवन में अनप्रोडक्टिव काम, कभी भी जीवन में आत्मग्लानी में नहीं. ये जो अकर्मण्य लोग होते हैं, जो अनप्रोडक्टिव काम करते रहते हैं, जो आत्मग्लानी में जीते रहते हैं, वो कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते. ये गीता का संदेश है, ये गीता का उपदेश है. मैंने देखा कुछ बच्चे पढ़ाई के वक्त पढ़ाई में ध्यान नहीं देते, काम के वक्त काम में ध्यान नहीं देते, फिर कहते हैं जी बेरोजगारी बढ़ रही है, देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, देश में गरीबी बढ़ रही है, देश में महंगाई बढ़ रही है, देश की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही है, बहुत ज्यादा चुनौतियां हैं देश में. अरे भाई ठीक है, ये तो सब है, तू क्या कर रहा है? हम समस्या गिनाने वाले न बने, हम जीवन में ऐसा कुछ करें कि हम सारी समस्याओं का समाधान बन करके दुनिया में कीर्तिमान बनाए, ऐसे बच्चे आप बन करके दिखाएंगे. ये संकल्प लेकर के जाएंगे, नहीं तो लोग मोदी को पूछते रहेंगे, मोदी जी रोजगार दिलाओ, मोदी जी हमारी फसल का उचित दाम दिलाओ, मोदी जी ये महंगाई घटाओ. अब प्याज का दाम बढ़ गया, वो अभी आंसू दिला रही है प्याज. अब मोदी जी प्याज उगाएंगे क्या? बात ये है भाई, हमको बड़ा काम करना है. हम खाली दूसरों पर आश्रित ना रहे. दूसरों पर जो आश्रित होते हैं वो दरिद्र होते हैं, वो कंगाल होते हैं. जो अपने कर्म से, अपने पुरुषार्थ से अपना भाग्य और औरों का भाग्य जगाने वाले होते हैं, ऐसे बच्चे आपको बनकर के दिखाना है. या प्रसंगी स्वामी रामदेव यांनी व्यासपीठावरून उपस्थितांना योगाचे धडेही दिले. न्यूज रिपोर्टर नितीन शेळके, एसएन मीडिया, संगमनेर.